हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर ऑन भारत। भारत है जो संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। भारत में जो है ना संसाधन एवं उपयोग, इसका पूरा प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा इस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पहले देख लेंगे, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो समझिएगा कोयला जो हमारा क्या है, ये क्या है, अनवीनीकरण, इसको ये जो ये क्या है, ये खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको हम लोग दोबारा जो है इसको हम नहीं ला सकते हैं, नहीं उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अनवीनीकरण। नवीनीकरण क्या है, जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। कभी क्या होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, नवीनीकरण। जैसे सौर ऊर्जा क्या है, ये सब नवीनीकरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए सौर ऊर्जा क्या है, एक पूर्ण यानी कि क्या है, पूर्ण यानी कि पुनः पूर्ति योग है, यानी इसको दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है तट रेखा। तट मतलब क्या होता है, तट मतलब क्या होता है, साइड, जिसको कहते हैं साइड रेखा, जिस कितने किलोमीटर क्षेत्र में सीमा में क्या होता है, अपमर्जक अधिक क्षेत्र को कहलाते हैं। तो 200 किलो 200 nm, ठीक है। क्या कहलाता है, 200 nm, ठीक है। तट मतलब क्या होता है, साइड, ठीक है। साइड यानी कि बगल का, ठीक है, बगल में जैसा बोल सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। जो डाकू है, इसका अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो किससे संबंध है, बताइएगा किससे संबंध है। तो याद रखिएगा संसाधनों एवं नियोजित विद्रोह यानी कि विद्रोहन से संबंध है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समुद्री राजनैतिक सीमा पर कितने किलोमीटर क्षेत्र तक अंतर्राष्ट्रीय जो है निहित है, कितना किलोमीटर तक निहित है। तो 12.2 किलोमीटर तक आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न का हम यहाँ पर उत्तर बता दिए। अब चलिए हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, ठीक है। पूरा बारीकी से समझिएगा, आपको एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, आप एक एक प्रश्न को आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रश्न जो ना बोर्ड परीक्षा में कई हर साल पूछा जाता है, तो आपको ये सबको तैयारी करना बेहतर ही जरूरी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है संसाधन को परिभाषित कीजिए। हम लोग समझिएगा संसाधन हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग जो मानवीय द्वारा जो जरूरतों की पूर्ति किया जाता है उसको संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम लोग ये लिख रहे हैं पेंसिल, हमारा क्या हुआ, संसाधन हुआ, ठीक है। जो भी मानव को पूर्ति किया जाता है, मानव के द्वारा जो है पूर्ति किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। जो हमारे जरूरतों के क्या होता है, पूर्ति होता है, उसी को क्या कहते हैं, संसाधन। हमारे क्या हो गया, पेन हमारा संसाधन हो गया, हमारा किताब क्या हो गया, संसाधन हो गया। जैसे कि आप लोग समझिए, अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं बाहर पैदल चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है, अगर यहाँ पर चल रहे हैं तो हमारा जो है ना 20 मिनट का यहाँ पर समय लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर साइकिल अगर ले लेते हैं तो हमारा क्या साइकिल बन गया, हमारा जो साइकिल क्या हमारा बन गया, ये संसाधन बन गया। तब इससे क्या, हम लोग 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन। कि मानव को जो भी आवश्यकता की पूर्ति किया जाता है उसे को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब लिखना कैसे है समझिएगा, यहां पर लिखना कैसे है? बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाले इस वीडियो में, आप लोग अंत तक देखिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो पहला प्रश्न का यहाँ पर उत्तर समझिएगा क्या कह रहा है। प्रकृतिक वे सभी पदार्थ जो, यानी कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं का पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के उपयोग हो, उसे क्या कहते हैं, संसाधन। जैसे AC, टेलीविजन, ये सब क्या हुआ, हमारा मानव के द्वारा जो है क्या हुआ, हमारा जो मानव क्या होता है, सुख सुविधा इसे प्रदान करते हैं, तो उसे को क्या कहते हैं, उसे को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे एक भाषा में आप लोग याद रखिएगा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संसाधन। जैसे आप लोग टेबल लिख लीजिए, टेबल क्या हुआ, हमारा संसाधन हुआ। कुर्सी क्या हुआ, हमारा संसाधन हुआ। गाड़ी हमारा क्या हुआ, संसाधन हुआ। वाहन क्या हुआ, हमारा संसाधन हुआ। मोबाइल क्या हुआ, संसाधन हुआ। टीवी क्या हुआ, हमारा संसाधन। कलम, पानी, सब जो क्या हो गया, हमारा संसाधन हो गया, ठीक है। आदि बहुत चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा, आदि, ठीक है। आदि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमारा संसाधन है, ठीक है, जो हमारे जरूरतों को पूरी करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है इसमें दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए संभावी और संचित कोष जो है ना, इसका दोनों का उपयोग जो है नहीं किया जाता अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च है। क्यों खर्च है, क्योंकि संभावी में जो होता है ना, इसको खनन यानी खोद के यानी कि जमीन के अंदर से इसका जो है खनिज निकाला जाता है, लेकिन इसको खोदने में जितना पैसा लग जाएगा उतना खनिज भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके कारण जो संभावी का जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता। संचित कोष उसी तरह से इसमें जो है टेक्नोलॉजी बहुत कम के कारण
कारण भी इस संचित कोष को उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो चाहे तो समझिएगा यहाँ पर संभावी एवं संचित कोष का जो है संसाधन निम्न है। संभावी क्या है? एक संसाधन है। संचित क्या? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो जो मानव द्वारा मानवीय द्वारा जो है ना पूर्ति किया गया आवश्यकताओं को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा किसी क्षेत्र में विशेषता यानी किसी क्षेत्र में विशेष में मौजूद ऐसा संसाधन जिसका उपयोग में लाया जाए, जिसका क्या होता है? उपयोग में लाया जाए, लाया यानी कि लाए जाने की संभावना, यानी कि संभावना अभी लाया नहीं गया, संभावना रहती है, ठीक है, क्या होता है? संभावना रहती है, लेकिन इसका उपयोग कभी तक नहीं किया गया होगा, यानी कि अभी तक जो है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? तो इसका जो है ना, अगर आप लोग इसका ज़मीन में आप लोग इसका जो है खनन द्वारा इसका निकाला जाएगा खनिज, तो जितना का जो लागत है वो खनिज नहीं रहेगा, उतना का पैसा इसमें लग जाएगा, इसी कारण जो है इसका अभी तक उपयोग नहीं किया जाएगा किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर संचित कोष किया संसाधन से संसाधन भी बता है कि मानवीय द्वारा यानी कि सुख सुविधा प्रदान किया जाए उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जिसमें उपलब्ध तकनीकी मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत कम के कारण जो है संचित कोष का जो है यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया, उपयोग में नहीं लाया गया। इस आधार पर उपयोग में जो है नहीं उपयोग में लाया जा सकता, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है संचित कोष का लाया जा सकता है, लेकिन अभी जो इसका प्रयोग आरंभ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो अभी बताएं, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम अभी आया है, इसी कारण जो है इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। चलिए अब अगला पॉइंट आप देख लीजिए। हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका खनन अधिक गहराई में होने के कारण जो है दुर्गम महंगा है, ठीक है। इसका जो खनिज है वो खनन ज़्यादा गहराई में है, लेकिन इसको निकालना जो है बहुत ही महंगा पड़ता है, इसीलिए जो इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? संचित कोष में जल विद्युत ऐसा यानी संसाधन नदी बांधों को जल के रूप में संचित है जिसमें तकनीक के उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें जो है तकनीकी अगर रहेगा तो इसमें जो है उपयोग क्या होगा? इसमें लाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा? संसाधन संरक्षण का उपयोगिता लिखिए। संरक्षण में क्या होता है? बचाना यानी रक्षा करना। जो हमारे संरक्षण यानी हमारा पर जैसे पेड़ पौधा हमारा क्या कर रहा? संरक्षण कर रहा, तो उसको हम लोग क्या करना? संसाधन हमारा क्या कर रहा? हमारे उपयोग के लिए हमारा हम लोगों को दे रहा है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए, ठीक है। उसको बचाना चाहिए, ज़्यादा उसको ना फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा संसाधन की उपयोगिता को यहाँ पर लिखिएगा। तो किस तरह से आप लोग संसाधन को इसको लिखिएगा यहाँ पर समझिएगा। देखिएगा लिखना है कैसे, यहाँ पर देखिए सारा कुछ यहाँ पर बारीकी से समझाएं ताकि आपको एक भी प्रश्न जो है परीक्षा में ना छूटे और सारा प्रश्न को आप लोग आंसर खुद से कर पाएं। देखिएगा संसाधन संरक्षण का तात्पर्य मतलब क्या होता है? इसका अर्थ संसाधन संरक्षण का अर्थ जो हुआ क्या हुआ? संसाधनों को सुरक्षा करना, यानी कि संसाधनों को क्या सुरक्षा करेंगे तभी तो अगले पीढ़ी तक ही वो चलेगा। अगर अभी ही खत्म कर देंगे तो आने वाले पीढ़ी क्या हो जाएगा? उसको दो प्रभाव यानी कि उसको बहुत ही क्या होगा? कष्ट होगा, ठीक है, अगले पीढ़ी तक अगर नहीं बचेगा तो वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा किस तरह से आपको लिखना है। संसाधन संरक्षण के अंतर्गत जब हम संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण, नियोजित मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से बहुत ही ढंग तरीके से विवेकपूर्ण बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं तो क्या होता है? उपयोग करते हैं तो उसको क्या होता है? यानी कि पर्यावरणीय यानी पर्यावरण का समस्या उत्पन्न नहीं होता। जैसे देखते होंगे यहाँ पर जो क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था। क्यों हो रहा है? तो पर्यावरण के कारण, पर्यावरण जो है ज़्यादा यहाँ पर कटाई हो रहा है, तो पर्यावरण जो है कम होने के कारण जो है प्रदूषण ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, जो कि अवशोषित नहीं कर पा रहा है पेड़ पौधे उतना। तो यहाँ पर देखिए अगला जो है अगला पॉइंट जो क्या कहता है, भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी। भावी पीढ़ी मतलब क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी, ठीक है, आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग कर सकेगा। अगर उस तरह से हम लोग संसाधन का उपयोग करेंगे बचा कर यानी कि ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी भी क्या करेगा? इसका उपयोग कर पाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, संसाधन का अनावश्यक बर्बादी नहीं होता, यानी कि संसाधनों का जो है अनावश्यक बर्बादी नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा जो है संसाधन संरक्षण कहलाएगा। अगला देखिएगा, लोग संसाधनों का महत्व को समझेंगे। लोग को क्या संसाधनों के बारे में समझना चाहिए कि ज़्यादा जो है फालतू में नष्ट नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा? अगले पीढ़ी को नुकसान होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न का उत्तर भी हम लोग जानेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
संसाधन निर्माण में तकनीकी यानी कि तकनीकी मतलब क्या हुआ बताइएगा, तकनीकी अभी भी बताए हैं, तकनीकी में टेक्नोलॉजी यानी आने वाला टेक्नोलॉजी जो भी होगा तकनीकी द्वारा, जैसे कि आप लोग देखिएगा लोहा हमारा अगर गोल लोहा रख देंगे तो इसका कोई उपयोग में लाएगा नहीं आएगा, लेकिन इसका तकनीकी द्वारा इसका चाबी बना देंगे, इसका गाड़ी मोटर में उपयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा उपयोग हो जाएगा। ठीक है, लोहा जो इसका कोई पूछ नहीं करेगा लेकिन इसका तकनीकी में उपयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका जो निर्माण हो जाएगा नया चीज़ का, तो क्या हो जाएगा ये क्या क्या कहलाएगा संसाधन निर्माण तकनीकी कहलाएगा। ठीक है, इसको स्पष्ट करना, किस तरह से स्पष्ट करना यहाँ पर समझिएगा आप लोग, संसाधन होते नहीं है। ठीक है, संसाधन जो होता है होता नहीं है, ठीक है, बल्कि हमारे जो मन यानी कि मानवीय द्वारा क्या होता है बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है जैसे कि मानवीय द्वारा जैसे टेबल हो गया तो क्यों इसका कौन कर रहा है, ये भगवान बना रहे नहीं हम लोगों ही बना रहे हैं ना, तो यही यहाँ पर कह रहा है इससे बनाया जाता है संसाधनों को जो है ना, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाया जाता है ऐसा तकनीक के आधार पर संभव है, यानी ऐसा तकनीक के आधार पर संभव है जब कोई राष्ट्र अल्प संसाधन वाला होते हुए भी तकनीक का प्रयोग विकसित राष्ट्र को बन जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए हमारा जो जापान है वहाँ खनिज जो है देखिए अल्प मतलब क्या होता है कम, ठीक है, अल्प मतलब क्या होता है बहुत ही कम थोड़ा मात्रा में वहाँ संसाधन है, फिर भी जो है ना राष्ट्र मतलब क्या हमारा देश जो है राष्ट्र मतलब क्या विकसित देश बन गया, क्या जापान बन गया, क्यों बन गया तो टेक्नोलॉजी के कारण ही ना बना यानी तकनीकी के कारण बना। ठीक है, वहाँ खनिज बहुत ही कम मात्रा में लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ क्या है वो देश जो है क्या बन गया विकसित देश बन गया। ठीक है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है अल्प संसाधनों वाला देश जापान, देखिए अल्प संसाधन यानी कि कम मात्रा वाला जो खनिज वाला जो है देश है वह संसाधन यानी कि अल्प यानी कि कम संसाधन वाला जो देश है वो जापान है, आज तकनीकी का प्रयोग से विकसित राष्ट्र यानी राष्ट्र मतलब क्या हुआ देश बन गया यानी विकसित देश बन गया, कौन हमारा जापान। अतः किसी भी राष्ट्र के विकास के तकनीकी का महत्वपूर्ण यह भूमिका होता है। देखिए हमारा जो है भारत जो है क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत कम है, तकनीकी बहुत कम प्रयोग में लाया जा रहा है, इसी कारण जो है हमारा जो है इंडिया में जो है ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए जापान जो है एक अलग देश है। ठीक है, वो देश जो है क्या बन गया एक यानी कि क्या बन गया विकसित राष्ट्र बन गया, राष्ट्र मतलब क्या होता है देश बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या हम लोग देखेंगे बाबू, अब देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सारा प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। चलिए ये दोनों प्रश्न को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा संसाधन के विकास के सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करने, सतत विकास किसको कहते हैं, सतत विकास मतलब आने वाले पीढ़ी यानी अगले यानी कि क्या हो हमेशा ये चलते रहे, यानी क्या होगा सतत विकास का मतलब हुआ हमेशा वो चीज़ क्या हुआ चलते रहे यानी कि कभी ख़त्म नहीं उसका हो उसको बचा कर चलते रहे उसको क्या कहेंगे सतत विकास कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा सतत विकास होता क्या है, तो देखिएगा सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ियों के हितों को बिना नुकसान पहुँचाए यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो जैसे कि आने वाली पीढ़ियाँ जैसे कि हमारे पास जो भी आएगा उसको आने वाली पीढ़ियाँ बोला जाता है उसको नुकसान जो है ना पहुँचे, जैसे वर्तमान समाज में की आवश्यकताओं को पूरा करना यानी जैसे हम आप में जो अभी वर्तमान में इसका आवश्यकताओं पूरा कर रहे हैं उसी तरह से वो लोग भी क्या हुआ पूरा कर सके। संसाधन मानव के जीवन आधार है, संसाधन क्या है मानव का एक जीवन आधार है, जैसे कि समझ आधार है यह जो है प्रकृतिक द्वारा मिला गया उपहार है, जैसे देखिए मिला गया उपहार क्या है देखिएगा जल पेड़ पौधा मानव इसका जो ना अंधाधुंध जो है इसका क्या कर रहा है दोहन कर रहा है यानी कि दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके कारण जो पर्यावरण समस्या का भी उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण में क्या हो गया समस्या का उत्पन्न हो गई है। ठीक है, जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ियों को हितों को ध्यान में रखकर वर्तमान समाज का विकास करना सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे सतत विकास की अवधारणाएं कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों को वर्णन करें। संसाधन क्या किसे कहते हैं जो मानवीय द्वारा जो आवश्यकताओं का पूर्ति किया जाता है उसे क्या कहते हैं संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो लिखना है किस तरह, इस तरह आप लोग लिखना है, देखिएगा सेकंड का आंसर जो है इस तरह से लिखना है, देखिए किस तरह से आप लोग को लिखना है, यहाँ पर लिखना है स्वामित्व यानी स्वामित्व मतलब क्या होता है मालिक होता है, इसका जो मेन मालिक होता है स्वामित्व उसी को कहते हैं मालिक। ठीक है, मालिक के आधार पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया बाबू, चार भागों में बांटा गया, पहला जो व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक,
तीसरा क्या हुआ राष्ट्रीय, चौथा क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय। अब बारीकी से समझिएगा व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन में समझिएगा जो मानवीय द्वारा पूर्तियाँ किया गया उसे क्या कहते हैं संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन यानी कैसा संसाधन, ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे कि हमारा घर मकान जो हमारा क्या हुआ हमारा पर्सनल रहता है, जैसे कि हमारा मकान मोबाइल गाड़ी टीवी घर इत्यादि क्या होता है हमारा पर्सनल, वैसा को क्या कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अगला सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, ऐसा संसाधन जो गाँव समुदाय नगर आदि के सभी लोग का उपयोग के लिए हो। जैसे कि शहर में अगर नगर है तो वहाँ का जो है समुदाय उपयोग करते हैं, जैसे कि शमशान का, पंचायत का भवन, पंचायत भवन का, समुदाय के स्कूल, ये सब क्या करते हैं तो समुदाय संसाधन कहलाता है। अगला देखिएगा राष्ट्रीय संसाधन यानी कि राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय में हो, जैसे कानूनी तौर पर राष्ट्र में उपलब्ध सभी संसाधनों का राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, सरकार का यानी कि वैधानिक अधिकार यह हुआ है कि यानी कि वह है कि राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग आम आदमी कल्याण के लिए जो है कर सकता है, यही हो गया। अब अगला देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या हुआ, किसी राष्ट्र के समुद्री तट रेखा, तट मतलब क्या होता किनारा, कि 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय कराता है। जैसे यहाँ पर समझिएगा क्या हुआ हमारा ये समुद्र है, हमारा इतना तक क्या हमारा 200 किलोमीटर तक यहाँ पर है, उसके बाद वाला जो हिस्सा कहलाएगा क्या कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए, इतना ही आपका जो है इस वीडियो में आपको पूरा करना है, तो आपको पूरा चैप्टर जो है समाप्त कर दिए। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है क्या कर दिए समाप्त कर दिए। तो अगले वाला वीडियो को इंतजार करिएगा, अगले वाला वीडियो में हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अगला वाले वीडियो हम क्या देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए मिलेंगे फिर हम अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।